बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी, आपने क्षमा विषय पर बहुत रोचक प्रसंग यहाँ पर कहानियों के माध्यम से सुनाए, काफ़ी प्रेरक लगे। मेरा जो शोध का विषय है, आदरणीय जीतू भाई जी ने दिया, दिगंबर जैन साहित्य में क्षमा। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं उनको आपके सामने रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और वो ये है, जैसा कि अभी चैतन्य जी भगवान बुद्ध के साथ जो प्रसंग है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, मेरे पास जैन साहित्य का वैसा एविडेंस है। हमारे आचार्यों ने भी इसी बात को अभिव्यक्त किया है, चाहे हम सर्वार सिद्धि की टीका देखें, चाहे राजवार्तिक की टीका देखें, या फिर नियम सार की टीका देखें। मैं आपको बिंदुवार तरीके से उस साहित्य में क्या महत्वपूर्ण कहा गया है, सिर्फ उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अगर हम देखें तो शौरसेनी जैन आगम परंपरा में जो प्राचीन आगम ग्रंथ हैं, कषाय पाहुट, उसकी चूर्णी, षटखंडागम, फिर उसकी जो धवला जय धवला टीका है, उन सब में क्षमा का बहुत सूक्ष्म वर्णन हुआ है। कषाय पाहुट में क्रोध कषाय को लेकर नैगमादि सात नयों के माध्यम से जितनी सुव्यवस्थित वर्गीकरण करते हुए व्याख्या की गई है कि उसका मैं ये कह पा रहा हूँ कि मैं आज भी उसका अर्थ लगा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वर्गीकरण किया गया, आप देखिए, क्रोध एक तरफ का, एक तो प्रथम क्रोध की उत्पत्ति ना हो, पहली बात तो ये, और मेरा ये प्रश्न है कि यदि उत्पत्ति हो गई है तो क्या करें, क्या उसकी अभिव्यक्ति करें नहीं करें, और अगर क्रोध उत्पन्न हो गया है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा मानसिक रोग का कारण बनता है, जो कि आज हमारे संवेदनहीन और संवादहीन समाज के सामने प्रस्तुत। मेरी एक जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है वो मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं मानसिक तनाव में चला जाऊँ, ये इस बात पर भी हमको विचार करना चाहिए। जो एक हमारे भाई साहब क्षमा मंदिर की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे स्थानों की भी आजकल आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि मित्रों का अभाव हो गया है, जहाँ व्यक्ति अपने मन के गुबार को निकाल सके और क्षमा को धारण कर सके और उसकी बात का कोई बुरा ना माने। मैं इसी मनोविज्ञान की तरफ अपनी बात, अगर आप कषाय पाहुड के वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो आप मनोविज्ञान की दृष्टि से उसका अध्ययन कर सकते। दूसरी बात ये जो आपने कही कि क्रोध के उत्पन्न होने के साक्षात बाहरी कारण मिलने पर भी थोड़ा सा भी क्रोध ना हो, दिगंबर साहित्य में जो वर्णन किया गया है, मुझे लगता है वो 99% मुनियों की अपेक्षा से क्षमा का वर्णन किया गया, जो कि इतनी उत्कृष्ट क्षमा उनके जीवन में ही संभव है, और उसका वर्णन भी साक्षात मिलता है। जैसे आपने कहा, मैं नियम सार की संस्कृत टीका के अकारणाद प्रियवादनी मिथ्या दृष्टेर कारणेन मात्रासयितुम उद्योगो विद्यते, वो जो इन्होंने कहा उसका ये प्रामाणिक उल्लेख है, वहाँ पे कह रहे हैं कोई अप्रिय बोलने वाला मिथ्या दृष्टि को बिना कारण मुझे त्रास देने का उद्योग वर्तता है, तो वो मेरे पुण्य से दूर हुआ ऐसा विचार कर क्षमा करना प्रथम क्षमा है, कि वो तो और भी कुछ करने वाला था लेकिन मेरे पुण्य का उदय था कि इतने ही करके वो शांत हो गया। अब दूसरा बोले त्रास दे दिया तो मेरे पुण्य से मुझे ताड़ा नहीं, मुझे मारा नहीं, ऐसा विचार करके क्षमा करता है। आप देखिए क्षमा कैसे धारण करना, उस समय थॉट प्रोसेस क्या चलना चाहिए, इस बात का हमारे आगमों में स्पष्ट उल्लेख है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भगवती आराधना आचार्य शिवारे का ग्रंथ है जो समाधि मरण का बड़ा सुंदर वर्णन करता है, उसके अंदर सात बिंदु दिए हुए कि हम किस थॉट प्रोसेस में जाएं, जिसको कहते हैं ना अप्लाइड फिलॉसफी, सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं हो, जीवन में प्रयोग में कैसे आएगा, तो उसमें क्या सोचें। वो कहते हैं मैंने तो अपराध किया नहीं, और यह पुरुष मेरे पर क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, मैं तो निरपराधी हूँ, ऐसा विचार करके उसको क्षमा कर देना था। और फिर कहते इसने मेरे असत दोष का कथन किया है, जो दोष मेरे अंदर है ही नहीं, तो ऐसे में मेरी कोई हानि नहीं है, मेरे अंदर दोष है नहीं, वो बोल रहा है तो उस पर दया आनी चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ ही पाप का अर्जन कर रहा है।
ऐसा सोच करके उसको क्षमा कर दी। तीसरा, इसने मुझे गाली ही दी है, इसने मुझे पीटा तो नहीं जैसा भाई साहब कह रहे थे। ये वाला पूरा हमारे पास शास्त्र प्रमाण है जहाँ इस तरह की चर्चा आई हुई है। भगवान बुद्ध ने ये बात कही होगी, लेकिन मैं ये बात देखता हूँ कि भगवान बुद्ध के कथानक बहुत ज़्यादा विख्यात हो जाते हैं पूरे विश्व में, और बहुत सारी कहानियाँ उनके नाम पर कह दी जाती हैं, लेकिन वो हमारी श्रवण परंपरा में भगवान महावीर के आगमों में वो कहानियाँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती हैं, वो दृष्टांत उल्लिखित होते हैं, वो हमारे सामने नहीं आ पाते। तो मैंने तो गाली ही दी, इसने मेरे को गाली दी, पीटा तो नहीं न मारा, ये इसका महान गुण है, ऐसा विचार करके उसको क्षमा कर दे। और भी बात, ताड़न किया, कम से कम वध तो नहीं किया। फिर वध भी कर दिया तो क्या, बोले वध किया लेकिन मेरा धर्म भ्रष्ट तो नहीं हुआ, ये सोच करके उसके प्रति क्षमा का भाव धारण करा। फिर कह रहे हैं जैसे ऋण चुकाने पर अवश्य साहूकार धन वापस कर देता है, और ऐसा होना चाहिए, तो इसने मेरे पाप का उदय था, मैंने पाप कभी किया था, उसका ही मैं मेरा चुकता हो रहा है, ऐसा विचार करके समता भाव धारण करना चाहिए और रोष को प्रकट नहीं करना चाहिए, शांत भाव से सहन करना चाहिए, ऐसा वहाँ पर उपदेश है। और एक नियम सार की टीका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और कही कि कोई वध कर दे तब साधक क्या सोचे, क्या क्षमा भाव धारण करे, कोई बिल्कुल जान से ही मारने पर उतर जाए उस समय। और मैं मानता हूँ ये इतनी उत्कृष्ट दशा मुनिराजों की ही हो सकती है, क्योंकि इतने उत्तम क्षमा के धारी वो होते हैं। वो कहते हैं मिथ्या दृष्टि के द्वारा बिना कारण के मेरा वध होने से अमूर्त परम ब्रह्म रूप मेरी कोई हानि नहीं होती है। हम जानते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, मैं जो शुद्ध स्वरूप हूँ इसकी कोई भी हानि नहीं हो सकती, कोई मेरे शरीर का वध कर सकता है मेरा वध नहीं कर सकता। ये विचार करके परम समरसी भाव में स्थित होना ही उत्तम क्षमा है, ऐसा निश्चय से भी उन्होंने साहित्य में लक्षण उसका किया। एक श्लोक आपको सुनाता हूँ, बड़ा पसंद आएगा, मुझे पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा, और मैं मानता हूँ आप पूरे साहित्य जगत में देखिएगा यदि इतना उत्कृष्ट उदात्त भाव इसके अलावा कहीं मिल जाए तो आप मुझे सूचना दीजिए। वो वहाँ कहते हैं दोषा अनाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनेश्चित धनार्थी मत सर्वस्वम गृहीत्वा रिपुरत सहसा जीवितम स्थान मन्यः मध्यस्थ स्थेव में मेवाखिल मेह ही जगत जायताम सौख्य राशि ही मत्तो माभूत सौख्यम कथमपि भविना कस्यचित पूत करोमि। वो कहते हैं कि जो दुर्जन मेरे दोष जाहिर करके सुखी होते हैं तो मेरे दोष जाहिर करते रहो, अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है ना, मेरे दोष सब जगह भी करो, कोई दिक्कत नहीं। और जो धनार्थी जन मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी हो रहे हैं, बोले तुम भी मेरा धन ले लो और सुखी हो जाओ। और जो शत्रु मेरा जीवन लोके सुखी होते हो तो वो मेरा जीवन ले लें, और जो पद लोलुपी मेरी पदवी छीन कर सुखी होते हो वे मेरी पदवी छीन लें, और जो मनुष्य मध्यस्थ हैं राग द्वेष रहित हैं वे ऐसे ही मध्यस्थ बने रहें। यह संपूर्ण जगत अतिशय सुख को प्राप्त करे, कोई भी संसारी मेरे निमित्त से किसी भी प्रकार दुखी नहीं हो, ऐसा मैं ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर कह रहा हूँ। इतना अधिक उत्कृष्ट मनोभाव जैन साहित्य में अभिव्यक्त किया गया। हमारे यहाँ दस लक्षण पर्व के समय भी सबसे पहले उत्तम क्षमा का वर्णन किया जाता है, फिर उसके बाद दस लक्षण पर्व के अनंतर जो क्षमावाणी एक दिन बाद मनाई जाती है उसमें भी उसकी अभिव्यक्ति होती है। मैं संक्षेप में जो बात मैं अपने विद्यार्थियों को और अन्य लोगों को समझाता हूँ वो बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें एक बात पर विचार करना है। हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं उस समय, खासकर जब अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखने जाते हैं, तो लोगों से पूछते हैं कि वो लड़के वालों का रहन सहन कैसा है, ये पूछते हैं, तो उस समय हमारी दृष्टि सिर्फ रहन पर जाती है, सहन पर नहीं जाती। हम ये देखते हैं कि कितना स्टैंडर्ड है, कितना बड़ा घर है, गाड़ी बंगला कैसा है, सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो सहन कर पाएंगे कि नहीं कर। लेकिन हमारी परंपरा में बात है कि रहन सहन देखना चाहिए, वो रहता कैसे है और सहता कैसे। आप देखो रहन और सहन दो शब्द हैं, इसमें से ना हटा दीजिए, रह और सह,
और मेरी तरफ से उसको उल्टा कर दीजिए, सह रह, जो सहे सो रहे और जो ना सहे सो ना रहे। जितने लोग भी साथ में रह रहे हैं वो सह के ही रह रहे हैं, और जिनने नहीं सहा उनका तीसरे दिन तलाक हो जाता है। तो जब तक, और सहन कौन करता है, जो क्षमा को धारण करता है वो ही सहन कर पाता है, क्योंकि क्षम शब्द क्षमता से, सहने की क्षमता होनी चाहिए, और जो सह नहीं सकता, सहन शक्ति जिसमें नहीं है, वो क्षमा को धारण नहीं कर सकता है। मैं अपने विद्यार्थियों को ये बात अक्सर ये बतलाता हूँ कि देखो, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें आपको एक एंटीवायरस डलवाना पड़ता है। वो एंटीवायरस कैसा होता है कि जो वायरस आ गए हैं, बैर रूपी वायरस हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो एक बार वो एंटीवायरस से हमें साफ करना चाहिए। तो हम लोग जो वर्ष में एक बार संवत्सरी क्षमावाणी मनाते हैं, वो एक साल की वैलिडिटी का भी आता है एंटीवायरस। तो एक साल आपको एक बार सारी फाइल एक बार स्कैन करनी पड़ेगी, तो बीच बीच में भी स्कैन करते रहना चाहिए। तो क्षमा एक एंटीवायरस है जो हमारी आत्मा के सॉफ्टवेयर में बैर रूपी वायरस आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए। जो ऐसा नहीं करता है उसकी फाइलें करप्ट हो जाती, उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। इसलिए अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस इंस्टॉल करके हमेशा रखना चाहिए और उसको एक्टिव मोड पर रखना चाहिए। यही क्षमा धर्म का संदेश है कि हम लोग हमेशा क्षमा को धारण करते रहें। आप देखिए, बहुत सारी बातें हैं, मैं तो एक देखता हूँ, हमको प्रायोगिक स्तर पर इस पर विचार करने की इसलिए भी आवश्यकता है कि अब चारों तरफ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बहुत तरह तरह के भाषण होते हैं, तरह तरह के प्रवचन होते हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि कुछ समझ आता नहीं है कि कैसी हो रही हैं साजिशें, कुछ समझ आता नहीं है कैसी हो रही हैं साजिशें, और भीगता कुछ भी नहीं, बस हो रही हैं बारिशें, बस हो रही हैं बारिश। चारों तरफ प्रवचनों का अंबार लगा है पूरे विश्व में। आप एक टीवी चैनल खोलो, 50 लोग प्रवचन देने वाले मिल जाएं। पहले इतने प्रवचन कोई सुनाता भी नहीं था, लेकिन क्षमा बहुत धारण करते थे। अब चारों तरफ सुना रहे हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा है, जाने क्या चक्कर है। इस पर भी हमको अनुसंधान करने की आवश्यकता है, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे, तू मुझे और मैं तुझे, इल्जाम देते हैं मगर अपने भीतर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू भी नहीं मैं भी नहीं। और कुछ इतना सही सोचना है, कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दूरियां, कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू भी नहीं मैं भी नहीं। धन्यवाद।